Do you remember last lecture wherein we did the short sums? And by doing those short sums, we could clear our concepts in a much better way. And then yesterday, one of the short sums, I kept it pending, which was the very important sum that was from illustration 24, question number 6. That was the most important short sums. And today I intend to do that sum. Are you getting it? So everybody, take out your textbooks, notebook, and the same thing. जिसमें तुमने कल सारे short sums किए थे, वो book निकाला जाए. क्या बोल रहे हैं जरा पढ़ते हैं. If the cost of the living index number of the current year has increased, मतलब मेरा cost of index number जो है, मेरा cost of living index, it has increased from 180 and pehle tha wo 100. And if the average income of the workers, they have increased from 6,000 to 9,000. If there is an increase in the decrease in the purchasing power and how much? Dekho, yahan par humko purchasing power ke baare mein bola hai aur ye humko dhoondna hai ki kitna increase, decrease हो रहा है. तो बेटा सब पेन वेन सब छोड़ के यहां पर पूरा ध्यान, ऑल अटेंशन ओवर हियर, पे ऑल अटेंशन ओवर हियर. कैन आई से माय इंडेक्स इन द बेस ईयर, माय इंडेक्स इन द बेस ईयर, if it is nothing mentioned, it's always 100. My index in the base year, if it is nothing mentioned, then it's always 100. Okay. So, yahan par dekho clearly likha hai ki index jo base year mein 100 tha, current year mein, it rose up to 180. करंट ईयर में देखो इट रोज अप टू 180. तो मेरा करंट ईयर में वो 180 हो गया है. अब उसके बाद ऐसा बोल रहे हैं कि जो मेरी मंथली इनकम थी जो मेरे बेस ईयर में 6,000 थी, वो इंक्रीज होके 9,000 हो गई है. तो कैन आई से मेरे को करंट ईयर में मेरी जो एक्चुअल इनकम है वो दी गई है. इन माय करंट ईयर व्हाट एवर इज माय एक्चुअल इनकम वो मुझे दिया है, दैट इज 9,000. अब हमको परचेजिंग पावर के बारे में ढूंढना है. तो परचेजिंग पावर अगर मुझे ढूंढना है, तो मुझे एक्चुअल इनकम को कंपेयर करना पड़ेगा एस्टीमेटेड इनकम के साथ. आई हैव टू कंपेयर इफ आई वांट टू सी कि मेरा परचेजिंग पावर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है. तो मुझे सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि व्हाट शुड बी माय एस्टीमेटेड इनकम. एक्चुअल इनकम तो दी है कि 6,000 से बढ़ के वो 9,000 हो गई है, लेकिन परचेजिंग पावर इंक्रीज के डिक्रीज हो रहा है. तो एक्चुअल इनकम को हमें कंपेयर करना पड़े. आई हैव टू कंपेयर माय एक्चुअल इनकम विद द एस्टीमेटेड इनकम. आर यू गेटिंग इट? अब वो एस्टीमेटेड इनकम हमें कैसे मिलेगी, जरा यहां ध्यान, ये वाले टेबल पर जरा आ जाओ कि मेरा बेस ईयर 100 है और करंट ईयर में वो 180 हो गया है. तो अगर बेस ईयर में मंथली इनकम 6,000 है, तो करंट ईयर की इनकम कितनी होनी चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ. क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मुझे उसका आंसर बताओ. दैट इज 6,000 इंटू 180 डिवाइड बाय 100. So my income should be
10,800. My income must be 10,800. तो मेरी एस्टिमेटेड इनकम का आंसर आया है 10,800. इतना पहले कॉपी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा कि परचेजिंग पावर कैसे करना है. इतना पहले कॉपी कर लो एक्चुअल इनकम और एस्टिमेटेड इनकम. कॉपी दिस मच, कम ऑन फटाफट. Beta, is the sum copied? Anything getting into your head? Anything getting into your head right now? No, 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 never. But I'll explain you. Don't worry. I'll explain you. हमने क्या किया है कि हमको इंडेक्स नंबर दिया था जो बेस ईयर में 100 है, करंट ईयर में 180 हो गया. मंथली इनकम 6,000 से एक्चुअल में 9,000 हो रही है. From 6,000, my actual income is 9,000. But then, in order to see whether the purchasing power has increased or decreased, actual income is to be compared with the estimated income. तो हमने estimated income कैसे निकाली कि अगर base year की 6,000 है, जब 100 था मेरा index तो 180 है, तो कितना होना चाहिए? 6,000 के सामने current year में 10,800 income होनी चाहिए. मतलब क्या? कंसेप्ट को जरा समझो, मेरे फिंगर्स को, मेरे एक्शन को जरा समझो. मोंगवारी 100 रुपयानी हती अने ए वधी ने 180 थई गई. इंडेक्स फ्रॉम 100 इट वेंट टू 180. नाउ इफ इंडेक्स इज इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 180, माय इनकम शुड आल्सो इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली. तो ही हम खर्चा कर पाएंगे, अदरवाइज हम खर्चा नहीं कर पाएंगे. तो मेरी इनकम जो 6,000 है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से, इंडेक्स नंबर के हिसाब से 10,800 हो जानी चाहिए. माय इनकम फ्रॉम 6,000 इट शुड रीच 10,800 एज पर द इंडेक्स, एज पर द इन्फ्लेशन. दैट शुड बी माय मिनिमम इनकम. तो मैं अपना खर्चा सब कर पाऊंगा, चला पाऊंगा. अगर इससे कम है, 10,800 से अगर मेरी इनकम कम है, मतलब जो भी मैंने अभी एस्टिमेट करी इनकम, अगर उससे वो कम है तो मेरा परचेजिंग पावर कम हो गया. और जो भी मैंने एस्टिमेट करी उससे अगर मेरी एक्चुअल इनकम ज्यादा है तो मेरा परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा. मतलब हमें एस्टिमेटेड इनकम को कंसिडर करना है और उसे फिर एक्चुअल के साथ कंपेयर करना है कि 10,800 तो हो बात जो ये. अगर एटली 10,800 वाली अगर इनकम नथी आपड़ी, तो आपड़े हवे कहीं परचेज नहीं करी शकिए. विल नॉट एबल टू परचेज द थिंग्स. अवर परचेजिंग पावर विल गो डाउन. एंड इफ माय एक्चुअल इनकम इज मोर देन द एस्टिमेटेड इनकम, देन माय परचेजिंग पावर विल इंक्रीज. ओके, अब ये तुम बात भूल जाओगे 100%. तुम ये बात भूल जाओगे तो नोट लिख लो. चलो मेरे साथ तुम नोट लिख लो. इन ऑर्डर टू कंक्लूड ऑन परचेजिंग पावर. In order to conclude on purchasing power, estimated income
एंड एक्चुअल इनकम इज टू बी कंपेयर्ड. एक्चुअल इनकम एंड एस्टिमेटेड इनकम इज टू बी कंपेयर्ड. इफ एक्चुअल इनकम इफ एक्चुअल इनकम इज लेस देन एस्टिमेटेड इनकम इफ एक्चुअल इनकम इज लेस देन एस्टिमेटेड इनकम then purchasing power has gone down. A first point and a second. If actual income is more than estimated income, if actual income is more than estimated income, then purchasing power has increased. Purchasing power has increased. Okay, now in our sum, when I compare the actual income with my estimated income, to actual income kam hai, but a note tumne likh li. In order to conclude on the purchasing power, estimated and actual income is to be compared. Estimated and the actual income is to be compared. If actual income is less than the estimated income, if actual income is less than the estimated income, then purchasing power has gone down. And if it is more than the estimated income, then purchasing power has increased. Okay. Now in the current sum, zara dekho, 9000 actual income or estimated hai 10800. So mera purchasing power actual is less than the estimated income. So likho, in the given sum, in the given sum, actual income, in the given sum, actual income is less than estimated income. Actual income is less than the estimated income. Therefore, Our purchasing power has gone down. Our purchasing power has gone down by rupees. Our purchasing power has gone down by rupees 1800. Our purchasing power has gone down by rupees 1800. और वो 1800 कैसे आया? 10,800 माइनस 9,000 तुम कर दोगे तो 1800. ठीक है. अच्छा, इसके जैसा ही एक एक्सरसाइज में सम है. कैन यू फाइंड आउट द सिमिलर सम इन द एक्सरसाइज? आई रिमेम्बर एक इसके जैसा सेम टाइप का सम है जहां पर हमें कमेंट करना है अबाउट द परचेजिंग पावर. ऐसा मुझे याद तो आ रहा है. तुम ढूंढ के बता सकते हो कौन सा सम है? सेवेंथ वाला सम है, लेकिन उसमें हमको पहले इंडेक्स भी ढूंढना पड़ेगा और उसमें परचेजिंग पावर की कुछ बातें हो नहीं रही हैं.
परचेजिंग पावर की कुछ बातें हो नहीं रही हैं, तुम्हें कोई है सम तुम्हारे ध्यान में, तुम्हें दिख रहा है? नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा है, तुम्हें भी नहीं दिख रहा है, और तुम्हें दिखता भी होगा तो अभी तुम बताओगे नहीं, क्योंकि तुम जानते हो, मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूं, तुम मुझे सामने से नहीं बताओगे वैसा सम। चलो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, कल हम इसके जैसे एक बड़ा सम करेंगे जिसमें ये सेम पॉइंट हम देखेंगे, परचेजिंग पावर वाला, इंक्रीज या तो डिक्रीज हुआ कि नहीं। डू यू गेट दैट? अच्छा, एक है ना, मैंने इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन अभी पेंडिंग रखा था, एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन मैंने अपने साइड से पेंडिंग रखा था, इलस्ट्रेशन 22 बेटा, इलस्ट्रेशन 22 उस पे चले जाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, बिकॉज इन दैट सम वी हैव टू डू द सम इन टू हाफ, वी हैव टू डू दैट सम इन टू हाफ, मतलब पहले हाफ में हमें कुछ और ढूंढना है, सेकेंड हाफ में हमें कुछ और ढूंढना है, मतलब दो हिस्सों में हमें ये सम करना है, एंड दैट इज व्हाई द सम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 22, इलस्ट्रेशन 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके बट आई विल शेयर द स्क्रीन विथ यू, वी आर स्टार्टिंग द सम, लेट्स फर्स्ट रीड इट। द डिटेल ऑफ द फ्यूल, द डिटेल एक्सपेंस ऑफ द फ्यूल ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ वर्कर ऑफ अ रीजन इज गिवन एज फॉलोज। नाउ फ्यूल का हमको ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, देखो, कोल, केरोसिन, वुड, मैच बॉक्स। नाउ बेस ईयर 2012 है, मतलब ये जो क्वांटिटी है वो है Q0 और ये जो प्राइस है वो है P0, जबकि 2014 के प्राइस हैं, दैट इज माई P1, 2014 के जो प्राइजेस हैं, दैट्स माई P1। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको ये फ्यूल का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमको जो ये फ्यूल की इंफॉर्मेशन दी है ना, वो फ्यूल की इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें पहले फ्यूल का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, उसके बाद हमको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ढूंढना है। इसी सम में पहले एक पर्टिकुलर आइटम का हम इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे और फिर वही इंडेक्स को हम यूज करने वाले हैं इन आवर सेकेंड हाफ ऑफ द सम, जहां पर पूरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे हम। तो पहले फ्यूल का इंडेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, तो कॉपी करो, चलो ये सम मेरे साथ कॉपी करो, देखो P1, P0 और PO दिया है, तो टोटल एक्सपेंडिचर वाली मेथड से हम जाएंगे और सम कॉपी करो, टेबल बना लो, चलो मेरे साथ, मैं भी तुम्हारे साथ लिख ले रहा हूं, कोल यहां पर क्वांटिटी, कोल की जो क्वांटिटी है दैट वाज 5 kg, जबकि कोल के प्राइस हैं 25 एंड देन करंट ईयर के प्राइस हैं 30, केरोसिन इज 20 liters, जबकि प्राइस है 40 अने 45, वुड 5 kg 20 अने 25, मैच बॉक्स में 10 boxes 0.90, अने 1 rupee। ऐसे पहले हम ये फ्यूल का टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे, चलो फ्यूल का स्टार्ट। बराबर से। Now, are you ready with the table? Let's find P1, Q0. P1, Q0, 30 into 5 is 150. Then 45 into 20 is 900. 25 into 5, 125. And 1 into 10 will be 10. Then P0, Q0, 25 into 5 is 125.
40 into 20 is 800. 22 into 5, 110. And this will be 9. P1, Q0, P0, Q0 का टोटल करके भेजो. P1, Q0, 150 प्लस 900 प्लस 125 प्लस 10, डबल 185. डबल 185. P1, Q0. Then P0, Q0, 125, 800, 110, and 9, 1044. It's 1044. So index number likho, fuel ka kitna aayega? Index number for fuel. Formula kya lagega? Sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 into 100, 1185 upon 1044. Into 100, 1185 divided by 1044 into 100, so 113.51. Okay, I'll get the answer 113.51. यहां पर कितने लोगों का ये फ्यूल का आंसर आ गया? गिव मी थम्स अप. फ्यूल. सो वी फिनिश्ड वन पार्ट ऑफ द सम 113.51. एक पार्ट अभी खत्म हुआ है, सम का एक पार्ट खत्म हुआ है. वी हैव टू नाउ फर्दर रीड द सम एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट नेक्स्ट वी आर सपोज टू डू. वी हैव टू फर्दर रीड द सम एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट व्हाट आर वी सपोज टू डू. लेट्स सी. Prepare index number for the group of fuel expenditure. वो तो हमने बना दिया. देखो ना 113.5 ऐसा अपना आंसर आ भी रहा है कि फ्यूल के एक्सपेंडिचर का करो तो वो तो मेरा आंसर आ गया. अब देखो इफ द एक्सपेंडिचर फॉर फूड क्लोदिंग हाउस रेंट एंड मिसलिनियस इन द ईयर 2014 इज 3, 2/5, 4/5 and 3/5 times, they are times as that of 2012. अच्छा, उन्होंने यहां पर ऐसा लिखा है food का index, it has become times. Is it mention over there increase? Increase? नथी mention करियो. सु लख्यू छे, it has become times, three times, right? So, अगर ये थ्री टाइम्स हो गया है, किसका थ्री टाइम्स हो गया है? फ्यूल फूड का. फूड का इंडेक्स नंबर थ्री टाइम्स हो चुका है, राइट? सो अगर हम देखें फूड का अगर थ्री टाइम्स अगर हो चुका है, why I am not able to write anything, just a second. Yes, now okay, I'll write it with the pen. Now it has become three times, to uska index aa jayega 300. Agar aisa likha hota English mein, it has increased three times, increased, to hum answer lete 400 रुपीज. इंक्रीज्ड अगर लिखा होता तो. यहां पर सिर्फ लिखा है द प्राइसेस हैव गॉन दिस टाइम्स, नॉट वर्ड इंक्रीज ऐसा नहीं लिखा है. क्लोदिंग का 2.5 टाइम्स, तो 250
देन हाउस रेंट का 450 एंड मिसेलिनियस का 3.25, दैट्स 325। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमको फ्यूल के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन ऊपर हमने फ्यूल का इंडेक्स भी फाइंड कर लिया ना। इंडेक्स कितना आया? 113.71। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन का कि हमको फ्यूल के बारे में देखो कुछ भी नहीं बोला है। सो 113.75 जो हमने फर्स्ट वर्किंग करी उसमें हम फाइंड आउट करेंगे। यस ध्रुवी, एनी डाउट बेटा? हेलो सर। हाँ ध्रुवी। सर 113.51 नथिंग। हाँ तो चेंज कर दो, दिख रहा चेंज कर दो, चेंज कर दो। 113 सूचे 51 छे। ओके सो 113.51 कर दे रहा हूं मैं। इसी के लिए सब बेटा उतावड़े हो रहे थे बताने के लिए, बराबर है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जब हम सेकेंड हाफ में गए, जब हमको पूरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोला ढूंढने के लिए, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो हमने वो फ्यूल को भी इंक्लूड कर दिया जो हमने पार्ट वन में ढूंढा था। आर यू गेटिंग इट? अब आगे से हम पढ़ते हैं, कुछ वेट्स के बारे में भी बोल रहे हैं। चेक करो वेट्स। अब देखो वेट्स परसेंटेज में दिए हैं, सो नोट लिखी जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लिखी जाए। When weights are given in percentage, then total of all the weights would be equal to 100. इंपॉर्टेंस जो है, वेट्स जो है, इंपॉर्टेंस बोल लो या तो वेट्स बोल लो, लेकिन जब वो परसेंटेज में दिए हैं, व्हेन दे आर गिवन इन परसेंटेज, तो टोटल हमेशा 100 आएगा। वेट्स का टोटल हमेशा 100 आएगा। अब मैं जरा ये वेट्स लिख दे रहा हूं, देखो तो मैंने फूड को कितना वेटेज दिया, 42% का, तो हम यहां पर 42 लिख देंगे। देन क्लोथिंग को मैंने 15% दिया तो 15 लिख देंगे। इसको हमने 10 दिया, इसको हमने 12 दिया। सर फ्यूल का मुझे नहीं पता है, फ्यूल का कुछ भी नहीं दिया है। सो फ्यूल का अगर कुछ भी वेट्स दिया नहीं है तो छोड़ दो। सर वेट्स नहीं आप तो छोड़ दो, मगजमारी क्यों करने की जीवन में, जे वस्तु आपी नथी अने सोधीने શું મળી જશે સર મને। હવે સમજો આ નોટ લખાવવાનો, હમણા તમને રીઝન કે ઇમ્પોર્ટન્સ ખબર પડી કે આ વેટ્સ નું હું ટોટલ કરીસ વેન ધે આર ગિવન ઇન પર્સન્ટેજ, તો ટોટલ વુડ બી ઓલવેઝ 100। તો 100 મે સે યે સારે વેટ્સ અગર મે માઈનસ કર દઉં તો ફ્યુલ કા મુજે આન્સર મિલ જાયેગા 100 માઈનસ 42 માઈનસ 15 માઈનસ 10 माइनस 12, तो मेरे को फ्यूल का वेट मिल जाएगा, दैट विल बी 21। मुझे फ्यूल का वेट मिल जाएगा, दैट विल बी 21, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। बेटा फ्यूल आपड़ी मेथी मारी रहे हो छे जीवन नी खबर पड़े छे, फ्यूल जे आपड़ी मेथी मारी रहे हो छे जीवन मां। फर्स्ट हाफ मां आपड़े फ्यूल नो इंडेक्स फाइंड कर्यो, એજ વસ્તુને ઓવરઓલ ઇન્ડેક્સમાં આપણે લીધું, અને પછી એનો વેટ્સ નતો આપ્યું તો એ પણ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે। બેટા કુછ તો બોલો યાર પ્લીઝ। અબ IW કરકે પૂરા આન્સર કર દો કે મેં કુછ નહીં કરૂંગા। IW કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ ઇન્ડેક્સ ફેમિલી बजट मेथड, सो 300 इंटू 42 दैट कम्स टू 12,600
then 250 into 15. Three seven five zero. 450 into 10 is 4500. 325 into 12. 3900. 113.51 into 21. 2383.71. And now my cost of living index. उसका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. 27133.71 divided by 100, that is 271.33. तो जिसको राउंड ऑफ कर सकते हैं ये 34 हो जाएगा बिकॉज पीछे 0.7 है ना, सो वी राउंड इट ऑफ टू 0.34. वी वुड राउंड ऑफ टू 0.34, 271.34. Our overall cost of living index 271.34. एंड देन ये नोट लिख लेना कि भाई हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितने से बढ़ रहा है. अवर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हैज इंक्रीज्ड बाय 171.34%. वो नोट लिख लेना. बट इसके जैसा एक एक्सरसाइज में भी सम है सर. आप ढूंढ के बता रहे हो कि हम ढूंढे, आप ढूंढ के बता रहे हो कि हम ढूंढ लें. मैं ही बताऊंगा बेटा तुम कहां से ढूंढोगे, रुक जाओ. इसके जैसा तो 100% है सब, मुझे याद है एक्सरसाइज में है. कि इसके जैसा भी नहीं है एक्सरसाइज में. बेटा ये इलस्ट्रेशन के जैसा भी कोई सम नहीं है. देखो तो एक्सरसाइज में ढूंढो तो है, तो समझो कितना इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन होगा. अगर एक्सरसाइज में आना चाहिए सम न थी तो भाई मारू तो यार आउज मन बैसे कि भाई हम तो यही हम तो ढूंढेंगे. बेटा सेक्शन एफ का टेंथ वाला दूसरा अलग सम है बेटा. सेक्शन एफ का टेंथ इज अ डिफरेंट सम विच विल बी डूइंग इट टुमारो, मतलब इन द नेक्स्ट सेशन. इट्स अ डिफरेंट सम. पेज 55 पर सम नंबर 6 उबारो जो ये पेज 55 पर
क्वेश्चन नंबर सिक्स ना ये पण एवो नथी भाई, इट्स अ डिफरेंट सम। पेज 55 पर क्वेश्चन सिक्स इज अ डिफरेंट सम। हाँ मतलब सम ही नहीं है इसके जैसे। तो फिर तुम बेटा क्या करो, तो फिर तुम अपना होमवर्क मार्क कर लो, फिर तुम अपना होमवर्क मार्क कर लो। अगर इसके जैसे दोबारा दूसरे सम नहीं है, बिकॉज कल हमको तीन चार एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट सम नेक्स्ट लेक्चर में करने हैं, एंड फिर वो लेक्चर अपना खत्म हो जाएगा, मतलब फिर वो चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा इंडेक्स नंबर का। एंड देन फ्रॉम फ्राइडे ऑनवर्ड्स, एज आई सेड, वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद अकाउंट्स। एक मिनट। सो होमवर्क में कौन से सम मैं तुम्हें दे पाऊंगा, चलो मार्क करना शुरू करेंगे, मार्क करना शुरू करेंगे। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि कल मैंने ये 14 तक आपको दे दिया था, राइट? 14th वाले तक का हमको मैंने तुमको दे दिया था। अब सेक्शन ई, सेक्शन ई का मुझे सम नंबर 6 करके दो। सेक्शन ई का सम नंबर 6, देन एफ का सम नंबर 1, सम नंबर 2, सम नंबर 4, सम नंबर 5। सम नंबर 8, बस इतने कर लो, इतने कर लो। आर यू गेटिंग इट? एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी ट्राई टू फिनिश अप विद द चैप्टर, ओके?